नमस्कार, न्यूज 29 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं गनुप्रिया। आइए नजर डालते हैं अब तक की ताजा खबरों पर। कन्नौज टीआई अमित सोनी ने पत्रकारों से चर्चा की और बताया कि पुलिस का लक्ष्य है नागरिक की सुरक्षा एवं नगर में शांति व्यवस्था को बनाए रखना और लोगों को सुरक्षा मुहैया कराना। साथ ही नगर की यातायात व्यवस्था में भी सुधार किया जाएगा। नगर में अवैध धंधे, जुआ, सट्टा नहीं चलने दिया जाएगा। वहीं चोरों की वारदात पर भी जल्द अंकुश लगाया जाएगा। इसी के साथ मंचलों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। कन्नौज में वन विभाग द्वारा व्यापारी के यहां छापामार कार्यवाही करते हुए सागौन की अवैध 30,000 की लकड़ियां जब्त की गई। अधिकारी विनोद वर्मा द्वारा स्टाफ के साथ वन मंडल अधिकारी एसएल यादव के निर्देश पर कन्नौज के मेवाती मोहल्ले में व्यापारी के यहां से दबिश देकर अवैध सागौन के 50 नग व कटर मशीन जब्त की गई। देपालपुर में इंदौर प्रीमियर कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष उमा नारायण पटेल ने इंदौर प्रीमियर कोऑपरेटिव बैंक के देपालपुर शाखा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना से हजारों किसानों को मिलेगा लाभ। पहले ये ऋण अक्टूबर में मिलने वाला था, किंतु किसानों के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाथों हाथ वापस किसानों को ऋण दिए जाने के आदेश दे दिए हैं। साथ ही इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों से अपील भी की है। जो किसान डिफॉल्टर हो गए थे उनको भी 0% ऋण का लाभ मिले, इस हेतु इस योजना को लागू किया गया है। मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना के अंतर्गत अब इंदौर जिले के 22,000 किसानों को लाभ मिल सकेगा। वर्तमान समय में इस योजना में 5,000 किसानों के 28 करोड़ रुपए की राशि जमा की गई है। उनको अगली फसल के लिए हाथों हाथ ऋण मिलना शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना 2018 किसानों के लिए बहुत बड़ी, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने बहुत बड़ी सौगात दी है और मैं तो इस चीज को इस तरीके से मानता हूँ कि इंदौर जिले के 22,000 किसानों का इसका लाभ मिलना है। 22,000 किसानों में से 5,000 से ज्यादा किसान इस योजना में 28 करोड़ रुपए जमा करके इसका लाभ ले चुके हैं। हम उनको तुरंत 0% ब्याज दर पर वापस फाइनेंस चालू करेंगे। आज मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी किसानों की समस्या को दूर किया है कि जो समाधान योजना में उनको ऋण अक्टूबर में मिलने वाला था, उस ऋण को उन्होंने तुरंत देने का आदेश प्रदान किया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और विभाग का धन्यवाद करता हूं और किसान भाइयों से ये अपील करता हूं कि ये ऋण समाधान योजना का अधिक से अधिक लाभ लें, क्योंकि इसमें आपको केवल मूल ही जमा करना है, बाकी पैसा तो सरकार आपका भरेगी। चौथा राष्ट्रीय खान एवं खनिज सम्मेलन का समापन इंदौर में हुआ। इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित 22 राज्यों के मंत्रियों ने भाग लिया। सम्मेलन के माध्यम से खनिज क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए निवेशकों को आकर्षित किया गया है। खनिज सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा, प्रदेश में खनिज की संसाधन की व्यापक संभावना है। खदान नीलामी में पारदर्शिता लाने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया पर काम चल रहा है। नीलामी और खुदाई को बढ़ावा देना होगा, इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि अभी भी खनन को लेकर अनुकूल माहौल नहीं है, खनन पर टैक्स का काफी बोझ है। सम्मेलन के दौरान खनिज प्रदर्शनी का सीएम सहित अन्य राज्यों के मंत्रियों और अफसरों ने अवलोकन किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तीसरी जन आशीर्वाद यात्रा आज शाम 4 बजे उज्जैन से शुरू होगी। इस यात्रा के माध्यम से मुख्यमंत्री 55 दिन में प्रदेश की सभी 230 विधानसभाओं में रथ लेकर जाएंगे। इससे पहले 2008 और 2013 में विधानसभा चुनाव के पहले शिवराज उज्जैन से ऐसी यात्राएं शुरू कर चुके हैं। 2008 में भाजपा ने इसे विकास यात्रा का नाम दिया था।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। शाह सभा स्थल से नानाखेड़ा चौराहा तक रथ में मुख्यमंत्री के साथ रहेंगे। यात्रा के रूट को होर्डिंग्स व बैनरों से पाट दिया गया। इससे पहले नानाखेड़ा स्टेडियम में सभा भी होगी। इसे भव्य बनाने के लिए व्यापक पैमाने पर तैयारियां की गई है। 1,25,000 लोगों की बैठक के हिसाब से व्यवस्थाएं भी की गई है। 5 डोम लगाए गए हैं। बारिश को देखते हुए 5 पंडालों को वाटरप्रूफ बनाया गया है। सप्ताह भर से जारी बारिश के दौर के कारण तैयारियां प्रभावित हुई है। शुक्रवार को शाम और रात को तेज बारिश से तैयारियों में बाधा आई। इसके कारण रात में काम चलता रहा। रात 1:30 बजे से 100 से ज्यादा मजदूर काम में जुटे हुए थे। आइए अब रुख करते हैं अन्य प्रदेशों की ओर। उत्तराखंड के जसपुर में एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां महुआ वाडबरा नगर में पंचायत जांच के बाद आवंटित पीएम आवास योजना में गड़बड़ी सामने आई है, जिसमें अधिकारी ने तत्कालीन नगर पंचायत अध्यक्ष सहित अन्य 4 सभा सदों सहित 151 लोगों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही की भी मांग की है। केंद्र सरकार द्वारा गरीबों को छत मुहैया कराने को लेकर देश भर में योजनाएं चलाई जा रही है, जिसके तहत नगर पंचायत महुआ वाडबरा में पीएम आवास योजना के तहत कई 100 मकान स्वीकृत किए गए थे, लेकिन नगर पंचायत इस योजना में धांधली के आरोप लगाते हुए सांठगांठ कर अपात्रों से लाखों का घोटाला किए जाने के आरोप लगाए हैं। इसी बीच शिकायत पर जांच के बाद जो तस्वीरें सामने आई है, उसमें अपात्रों को पात्र बनाकर योजना का लाभ दिया गया है। इसी के साथ SDM द्वारा अधिकारी को आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराने के निर्देश भी दिए गए थे। देखिए, जिलाधिकारी महोदय को कुछ व्यक्ति द्वारा शिकायत की गई थी कि मोहडा नगर पंचायत क्षेत्र में कुछ लोगों को, ऐसे लोग जो अपात्र हैं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अर्हरे नहीं है, उनको चयनित करके आवास आवंटित कर दिए गए। तो हम लोग मेरे द्वारा उसकी जाँच कराई गई। जाँच कराने के लिए हम लोगों ने हमारे राजस्व के अधिकारियों की स्पष्ट आख्या ली गई मौके की, और संबंधित के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। तो ये कुछ लोग प्रभावित पाए गए, तो उसकी जांच करके जिलाधिकारी महोदय को हम लोगों ने प्रेषित की गई थी। डावरा द्वारा कोतवाली पुलिस को एक तहरीर दी गई है, जिसमें 151 लोगों को प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के अंतर्गत 32,00,000 धनराशि गलत रूप से आमंत्रित करने के संबंध में सूचना मिली है। उक्त संबंध में उच्च अधिकारियों का अवगत कराया जाएगा और प्रारंभिक जांच के बाद ही आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चमोली जिले के थराली विकास खंड के राजकीय इंटर कॉलेज तलवाड़ी से है ये विद्यालय। चमोली जिले के अंदर बना सबसे पुराना विद्यालय है, जिसमें प्रशासन की लापरवाही अब सामने आ रही है। मामला कुछ इस तरह बताया जा रहा है कि 1947 के लगभग बने इस विद्यालय को आज सरकारी तंत्र में उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है। विद्यालय में लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई शेप बिल्डिंग वर्ष 1982 के आसपास की है, जो बनने के कुछ ही वर्ष बाद टूट गई। विद्यालय द्वारा लगातार तब से लोक निर्माण विभाग को पत्राचार किए गए, लेकिन ना तो लोक निर्माण विभाग ने इस भवन के टूटे हुए हिस्से की मरम्मत की और ना ही हिस्से का निस्तारण किया। हाँ सर, मैं तो बार बार अपने माध्यम से, आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि मैं इस संबंध में माननीय शिक्षा हमारे सचिव साहब का एक लेटर आया था हमारे पास कि जो जीर्ण शीर्ण विद्यालय है उनकी एक वो डिस्पोजल के लिए वो बनाया जाए, प्रस्ताव बनाया जाए। अब मैं संबंध में ये हमारे जो PWD के इंजीनियर साहब हैं, उनसे आज व्यक्तिगत रूप से मिला हूँ और मैंने अपना प्रपोजल दिया है। अपने विद्यालय में कुछ ऐसे भवन जो बड़े जीर्ण स्थिति में कभी कोई घटना घट सकती है, इस समय उनसे गया, मैंने उनसे प्रपोजल बनाने के कहा कि स्टेट बनाने के, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आप भी इस बात को आगे रखें। कुछ उसके संबंध में शायद कुछ आया नहीं। कब से कौन जीर्ण शीर्ण हालत बने हुए? ये 2013 से पहले ही बात, 13 से पहले लगातार इनको गिराने की बात चल रही है, अभी तक कोई कार्रवाई इस पर होनी भाई ना। आपके स्तर से क्या कुछ प्रयास किए जाते हैं? प्रयास वो हम अप्लीकेशन ही लगा पाते हैं यहाँ से अपने विभाग के लिए। जी, मैं लगातार जो है 4 वर्षों से सदन में इस बात को उठाते आ रहा हूँ कि यहाँ पे जो है इंटर कॉलेज के जो एच बिल्डिंग है और जो एल बिल्डिंग है, एच बिल्डिंग तो जो है अंग्रेजों के टाइम की बिल्डिंग है, ये एल बिल्डिंग जो है सन 1984 के लगभग आसपास की है। इस भवन को निस्तारण के लिए जो है हमने लगभग जो है 4 वर्षों से हम जो है PWD के माध्यम से जो है इसको जो है पत्र व्यवहार करते रहते हैं, और हम जो है सदन में भी इस बात को उठाते हैं कि भाई इसको जो है
निस्तारण किया जाए। तो अभी हमने प्रिंसिपल साहब से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो है हमने जो है विभाग को जो है लेटर दे रखा है और वो जो है जल्दी इसको जो है निस्तारण करने की बात कर रहे हैं। पीडीपी की महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार को चेतावनी देकर कहा है कि पीडीपी को अगर तोड़ने की कोशिश की तो और सलाउद्दीन पैदा होंगे। इस पर सपा नेता आजम खान ने कहा कि दरअसल कश्मीर के हालात खराब होने की वजह बुनियाद ही खराब है। आजम खान ने कहा कि जब मुझे ही रोज कहा जाता है कि पाकिस्तान चले जाओ, देशद्रोही हो, गद्दार हो, एजेंट हो, जिसने विश्वविद्यालय बनाया है, कॉलेज बनाया है, बच्चों के स्कूल बनाए हैं, इन्हें लेकर मैं पाकिस्तान कैसे चला जाऊं? क्या हालात खराब होने के पीछे बुनियाद यही बात है कि कश्मीर की असल समस्या को समझने के बजाय उसके सामने नए सवाल रोज खड़े कर दिए गए और हर शख्स के गले में गद्दारी का तमगा डाल दिया गया। जब मुझे रोज़ी कहा जाता है पाकिस्तान चले जाओ, देशद्रोही हो, गद्दार हो, एजेंट हो, जिसने विश्वविद्यालय बनाया है, मेडिकल कॉलेज बनाया है, बच्चों के स्कूल बनाए हैं, इन्हें लेकर पाकिस्तान कैसे चला जाए? और पाकिस्तान जाना होता तो ये क्यों बनाए थे? अब कश्मीर तो सरहद पर बसा हुआ स्टेट है, ये एक राजनेता के दिल का दर्द है जो खोखली राजनीति से खुद भी तो उन्होंने कोई बहुत अच्छा नहीं किया। अब पेड़ तो बबूल का बोया था, आम खाना चाहती थी तो आम कहाँ से आ जाते? अब जो किया है उन्होंने उसे भुगतेंगी भी वही। केंद्रीय शिया वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि जो मुसलमानों की जमीनें हैं वे राम मंदिर के लिए दी जाए। इस पर सपा नेता आजम खान ने कहा कि शुक्र है उन्होंने सारी मस्जिदों को मंदिरों में बदलने के लिए नहीं कहा, जितना कहा उसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बोर्ड तो नॉमिनेटेड है, तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। शुक्र है उन्होंने सारी मस्जिदों को मंदिर में बदलने के लिए नहीं कहा, जितना कहा उसके लिए उनका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बड़ा एहसान किया उन्होंने इस्लाम पर। वो बहुत मुत्तकी परहेजगार मुसलमान हैं, उन्हें ही इसका हक था, बस वही ये कह सकते थे, बाकी कोई कह नहीं सकता था। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में कोचिंग जा रही नाबालिग स्कूली छात्रा से मनचले की छेड़खानी। इस दौरान मौके पर पहुंचकर परिजनों ने और बहुत से लोगों ने मनचले की जमकर पिटाई की। पंचवटी कॉलोनी में छात्रा को एक मनचला काफी दिनों से परेशान कर रहा था। छात्रा ने इस बात का कई बार विरोध भी किया, जब भी यह मनचला बाज नहीं आया, जिस पर परिजनों ने एक दिन पीछा करके छेड़छाड़ करते वक्त उसकी पिटाई कर दी और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। अभी के लिए बस इतना ही। प्रदेश और देश की हर खबर के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।